उनको शौक है लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो हमें दिन रात मेहनत करनी है। हमारे वीएलईज हैं, सभी हमारे भाई हैं और सभी एक्टिव हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ब्लॉक में जितने भी वीएलईज हैं अच्छे पढ़े लिखे हैं, पूरा ट्रेंड है, वो टेक्निकली पूरा ट्रेंड है, कंप्यूटर उनको अच्छे से आता है, तो मेहनत भी करते हैं। जब हम बुलाते हैं सभी सरपंचों के पास पहुंच जाते हैं, उसमें चाहे हमें सेहत कार्ड बनाना हो, अभी चाहे ये हमारा ई श्रम कार्ड है या कोई भी स्कीम आती है, तो हमारे वीएलईज भी बहुत मदद करते हैं, मैं उनका भी मशकूर हूँ। और हम सब लोगों को मिलजुल के एक टीम वर्क काम करना है। लेबर डिपार्टमेंट से हमें जो सपोर्ट चाहिए, मैंने मैम से अंदर भी पहले भी कहा था कि आप हमसे काम लें, हम जैसे आपका कोई इम्प्लाई काम करता होगा सैलरी लेके, वैसे हम आपको मुफ्त में यहाँ से सपोर्ट करेंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके में लोगों को कार्ड, जिस किस्म की भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, उनको फ़ायदा हो। हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करेंगी। और मैंने मैम से अंदर भी एक गुजारिश की थी ऑफिस में बैठ के भी, और अभी यहाँ पर भी वही गुजारिश करूँगा। हमारा जो एरिया है मैम, ये बुद्दल जो है 60 किलोमीटर दूर है राजौरी से, और 85% लोग ऐसे हैं, और उनमें भी कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर उनको बुखार सर दर्द होगा ना, तो वो गांव से उठ के मार्केट में जब आएंगे ना पैरास्टामोल टेबलेट लेने के लिए, तो वो घर से 2-3 अंडे साथ लाते हैं। वो पहले अंडे दुकान पे बेचेंगे, फिर टेबलेट के लिए पैसे लेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो शख्स यहाँ से राजौरी कैसे जाएगा। तो थोड़ा बहुत आपने हमारी ये मदद करनी है। हम इंशाल्लाह कभी भी गलत नहीं करेंगे। हम बीडीसी मैम हो गए, हेडक्वार्टर के सरपंच साहब हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज हैं किसी भी चीज़ के लिए, हम इकट्ठा करके और इंशाल्लाह अपनी रिकमेंडेशंस डाल के, गारंटी दे के कि ये जेन्युइन आदमी है, आपके ऑफिस में पहुंचाएंगे। उसके बाद महीने 2 महीने के बाद अगर आपका कोई भी दफ्तर से यहाँ पे एम्प्लॉई आएगा, इंस्पेक्टर साहब हैं या कोई भी आएगा, तो बाकायदा हम कैंप लगा के यहाँ पे लोगों में वो चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें आपकी हमें मदद चाहिए। मतलब थोड़ा जैसे आपने अंदर कहा और हमें खुशी महसूस हुई, आपने कहा कि हमारा जो ये चेयर है हमें लोगों को सर्व करना है, हमारी चेयर से कोई परेशान नहीं होना चाहिए, उसकी हेल्प होनी चाहिए। तो वही हम भी चाहते हैं कि अगर कोई एक बार आ जाए तो वो दोबारा हमारे ऑफिस में ना आए। तो मैं एक बार फिर से अपनी जानिब से, बुद्दल की अवाम की जानिब से आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर साहब। काबिल इज़्ज़त असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी, चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ब्लॉक बुद्दल मोहतरमा शमीम अख्तर जी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बुद्दल शहरियार डार साहब, इंस्पेक्टर साहब, सरपंच हेडक्वार्टर राजनगर बुद्दल जनाब शबीर कमलाक साहब, जितने भी सामने मेरे मौजूद साथी हैं, सभी को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं बुद्दल की अवाम की जानिब से असिस्टेंट लेबर कमिश्नर राजौरी मोहतरमा मनीषा मैम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ज़िला राजौरी का, जो ये हमारा दूर दराज इलाका है, सबसे लास्ट में हमारा बुद्दल ही ब्लॉक आता है, आपने सबसे पहले इसी ब्लॉक को चुना, उसके लिए हम आपके दिल की अमीक गहराइयों से मशकूर हैं। और मैं क्योंकि हमारे लोग थोड़ा सादे हैं, तो हमें सादे लफ्ज़ों में ज़्यादा समझ आ जाती है। सबसे पहले जो हमारा, जो आपका जो आज मकसद है यहाँ आने का, वो थोड़ा सारा लोगों को बताना चाहूँगा। अपने जो हमारा ये ई श्रम कार्ड जो बन रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम लॉन्च की है, इसका सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है, सामने लिखा है बेनिफिट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला बेनिफिट जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स विल गेट बेनिफिट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम्स। मतलब हर कंट्री में होता है, हमारी तमाम लोगों की एक सोशल सिक्योरिटी होती है, हमारा खाना पीना सारा, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की होती है। उसके तहत आपको जितनी स्कीमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च की जाती हैं, उनका फायदा उस शख्स को मिलेगा जिसके पास ये कार्ड होगा। उसके साथ में सेकंड नंबर पे, दिस डेटाबेस विल हेल्प गवर्नमेंट इन मेकिंग स्पेशल पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब जो लोग हमारे काम करते हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, उनके पास डेटा पहुंचेगा तो बनाएगी। जब हमारी रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, जल्दी होगी, तो जितना डेटा उनके पास पहुंचेगा कि ये लोग जो हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, उसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट बनाएगी, पैसा रखेगी और अलग अलग स्कीमें हमारे लिए लॉन्च करेगी और लोगों को फायदा होगा। तीसरा, सादे लफ्जों में है ना शबीर साहब, तीसरा जो सादे लफ्जों में जो मैम ने पहले बताया था इन शॉर्ट, वो ये है कि PMSBY जो एक इंश्योरेंस की स्कीम है,
उसमें अगर जिसके पास ये ई श्रम कार्ड होगा अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको 2,00,000 रुपये मिलेंगे, और अगर मुकम्मल उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है मतलब माजूर इतना हो जाता है कि वो काम के काबिल नहीं रहता है तो भी 2,00,000 मिलेगा। उसके बाद अगर पार्शियल डिसेबिलिटी थोड़ा बहुत उसका मतलब माजूर होता है तो उसके लिए 1,00,000 रुपये का फ़ायदा है। मुफ्त में ये बेनिफिट है इस कार्ड का कि ये इंश्योरेंस भी इसमें है, कवर है। उसके बाद जो है इट विल हेल्प ट्रैक माइग्रेंट लेबर वर्कर्स वर्कफोर्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो लोग हमारे यहाँ से मजदूरी करने पंजाब हिमाचल प्रदेश दिल्ली चंडीगढ़ आगे पीछे जाते हैं उनकी शिनाख्त करने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हमारे गांव से कौन कौन से लोग हिमाचल गए हैं, कौन से कश्मीर गए हैं, तो उनके लिए रोजगार ढूंढने में भी गवर्नमेंट को आसानी हो जाएगी। यानी हमने ये अपनी मदद खुद करनी है, तो जब हम सब लोग मिलके, जैसे हमारे सरपंच साहब ने भी कहा है, अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तमाम सरपंच साहिबान पंच साहिबान हमारे सामाजिक कारकुनान हैं बहुत सारे जिनको शौक है।